कृषि विपणन बोर्ड संभाग के उपयंत्री को लोकायुक्त की टीम ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। लोकायुक्त की टीम ने यह कार्यवाही विजयनगर स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय में की। उपयंत्री ने मंडी में निर्मित दुकान का मूल्यांकन और मद परिवर्तन की एवज में न्यू मिलौनीगंज निवासी संदीप सुहाने से रिश्वत की मांग की थी। आवेदक की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप की कार्यवाही की और उपयंत्री को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कृषि उपज मंडी कार्यालय में दबिश देकर लोकायुक्त ने कृषि विपणन बोर्ड संभाग के उपयंत्री रमेश शंकर अग्निहोत्री को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उपयंत्री रमाशंकर ने मिलौनीगंज निवासी संदीप सुहाने से मंडी में निर्मित दुकान के मूल्यांकन और मद परिवर्तन के एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आवेदक ने मामले की शिकायत एसपी लोकायुक्त संजय साहू से की, जिसके बाद डीएसपी जेपी वर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और आवेदक की शिकायत के आधार पर टीम ने विजयनगर स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय में उपयंत्री को रिश्वत लेते दबोच लिया। आवेदक संदीप सुहाने जो मिलौनीगंज में रहते हैं और मंडी में उनकी दुकान उन्होंने खरीदी है, प्लाट खरीद के निर्माण किया है, उनका वैल्यूशन होना था और दुकान चूँकि गल्ला मद की थी तो उसको परिवर्तन होना था सब्जी मद में कि सब्जी विक्रय कर सकें उसमें। उसके लिए यहाँ के जो उपयंत्री हैं आरएस अग्निहोत्री, रवि रमाशंकर अग्निहोत्री, इन्होंने उसके 35,000 रुपये की उनकी मांग की थी। दिनांक 26/10/2021 को ये आवेदक संदीप सुहाने पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू के समक्ष उपस्थित हुए थे और अपना आवेदन प्रस्तुत किया था कि इनके द्वारा 35,000 रुपये की मांग की जा रही है। इसका सत्यापन कराया गया और आज पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में रमाशंकर अग्निहोत्री उपयंत्री कृषि उपज मंडी समिति विजयनगर को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त ने उपयंत्री के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।